पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रिंस देव मिश्रा ने किए पत्रकार पर जानलेवा हमला, नियमितीकरण की मांग को लेकर आशा कर्मियों ने की भूख हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पत्रकार पर किया गया प्रमाण घातक हमला। समाचार पत्र के संवाददाता खुमान मणि कुशवाहा 9 वर्ष के पूर्व रात्रि में थाना प्रभारी यातायात द्वारा की जा रही ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग के दौरान प्रेस कवरेज करने की वजह से रंजित रखते हुए प्रिंस देव मिश्रा ने 4 साथियों के साथ पत्रकार पर लोहे की राडों से ताप तोड़ हमला कर मौके से फरार हो गए, जिससे सिर में गंभीर चोटें आईं, जिसे गंभीर अवस्था में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट की गई, मैं मांग को छुटाई गई, थाने पर अपना पद में किया गया था। उसमें आरोपी प्रिंस बघेल, आफी शर्मा और शिव पांडे, जिन्हों को गिरफ्तार किया गया है। वो आरोपी गिरफ्तारी जो फरार है, वो उनके गिरफ्तार दर्ज किए जा रहे हैं। ये समझ कार्रवाई मान के महोदय महोदय और प्रभारी महोदय के माध्यम की जा रही थी और उन्हीं के ये कार्रवाई की जा रही है। उनकी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, दो आरोपी फरार हैं। एक आरोपी फरार है, एक आरोपी फरार है, अजय पांडे फरार है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तीन मिल गए वो गिरफ्तार, चार मिल गए गिरफ्तार किया गया है। बिहार के समस्तीपुर जिले में नियमितीकरण की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताएं भूख हड़ताल पर बैठ गईं। वहीं आशा कार्यकर्ता की जिला महामंत्री का कहना है कि हम 1 दिसंबर से 12 सूत्रीय मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांगे हैं कि हम आशा कार्यकर्ताओं को सरकारी सेवा घोषित करें और जब तक घोषणा नहीं करती तब तक न्यूनतम मजदूरी 18,000 दी जाए। जिला कलेक्टर एवं सिविल सर्जन को अपनी मांगों को लेकर आवेदन दे चुके हैं। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। आशा को सरकारी सेवक घोषित करें और जब तक घोषणा नहीं करते हैं तब तक न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 18,000 रुपया है वो दे। और आशा की 12 सूत्री मांग में बहुत सी मांग है, उन सभी मांगों पर सरकार विचार करके हम लोगों को दे। तो हम लोग 1 दिसंबर से हड़ताल पे रहे, जिसमें 10 तारीख को सिविल सर्जन को मेमोरेंडम दिया गया। फिर 10 तारीख के बाद हम लोग 12 तारीख को डीएम सर को अपना मेमोरेंडम देने का काम किए। उसके बाद भी सरकार कोई सूझ बूझ नहीं ली है आशा के बारे में। तब हम लोग जा करके 21 तारीख को सड़क जाम करने का कार्य 2 घंटा के लिए किए। 2 घंटा के बाद भी फिर 27 तारीख को हम लोग रेल चक्का जाम करने का आह्वान, संघ के आह्वान पे हम लोग रेल चक्का जाम किए, जिसमें रेल चक्का जाम के बाद भी हमारा कोई जो परिणाम निकलना चाहिए वो आज तक कोई परिणाम नहीं निकला है। इसलिए हम सभी संघ के आह्वान पे सभी आशा कार्यकर्ता जत्थेवार अपनी भूख हड़ताल पे आज से बैठना शुरू किए हैं। और सरकार जब तक मेरी मांगों को नहीं मानती है तब तक हम भूख हड़ताल पे रहेंगे। हो सके तो आने वाला समय में संघ के आह्वान पे हम लोग जेल भरो अभियान आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। सरकार देखे कब हमारी मांग को पूरी करती है और हम अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे और सभी आशा बहन डटे रहेंगे। लोगे आशा को सरकारी सेवक घोषित करना होगा, जब तक सरकारी सेवक घोषित नहीं करेंगे तब तक संघर्ष करेंगे। आशा संघ करे पुकार, आशा को 18,000 का मानदेय तत्काल देना होगा।